Assalamualaikum and welcome to another episode of Lazzat. मैं हूँ शारमेन और आज हमारे पास बहुत ही लज्जतदार खाना है. हम बनाएंगे एक बड़े मज़ेदार खीर. लेकिन खीर आप लोगों को आई एम श्योर बहुत लोगों ने रेसिपी बताई होगी, बट ये एक बिल्कुल ही फ़र्क रेसिपी है. हम इस्तेमाल करेंगे ब्राउन शुगर. अच्छा, सबसे पहले आपको चाहिए घी. हम घी इस्तेमाल करेंगे एक टेबल स्पून. आज की सेकेंड रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार क्विक स्टर फ्राइड स्पाइसी प्रॉन्स हैं. झींगे हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के फ्रेश झींगे. प्लीज़, एक झींगे से आपकी जान जा सकती है. लिटरली झींगा इज़ लाइक पॉइजन व्हेन इट्स एक्चुअली नॉट फ्रेश. यहाँ घी ले लिया मैंने एक बड़ा टेबलस्पून. ये है दालचीनी. सिनेमन का इस्तेमाल होगा या दालचीनी का, आप एक पीस डाल दीजिए. मज़ेदार खुशबू आती है जब घी में. अब हम शामिल करेंगे ब्राउन शुगर. 3/4 का ब्राउन शुगर है ये. यहाँ मेरे पास चावल है कुटे हुए. आपने चावल पीस लेने अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो. लेकिन कुटे हुए चावल डालने का मकसद ये होता है कि खीर में एक टेक्सचर होता है. फिरनी में हमें अमूमन आपको पिसे हुए चावल मिलते हैं, लेकिन खीर में टूटे हुए चावल इस्तेमाल होते हैं. तो आपने प्लीज़ वो वाला नहीं ख़रीदना. चांदी, जैसे आपको मालूम है, महंगी चीज़ होती है. ऑब्वियसली चांदी का वर्क आपको 10 रुपए का नहीं मिल सकता. तो इसलिए इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. आपको इस तरह से आराम से मैं दिखा देती हूँ. और बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल किया जाता है. ये ऐसे आपको देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसे बदली है. फ्रॉम आप देख रहे हैं घी ऊपर आ गया. दैट्स बेसिकली व्हाट यू वांटेड टू डू. देखें, इन शीटों की मैं बात कर रही थी. एंड इसको बस आपने 2-3 मिनट के लिए पकाना है कि ये कैरमल भी इसके अंदर घुल जाए. ये कुटे हुए पिसे हुए चावल अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ. बाकी है हमारे पास, यहाँ मैं शामिल करूँगी ज़ाफ़रान. और अब हम शामिल करेंगे बाकी झींगे. स्टार्ट कर लेते हैं जब तक कि खीर हमारी पक रही है. यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1 किलो झींगे हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें आपने लेना है अदरक, लहसुन, हर चीज़ आप डाल देंगे इस प्याले में. मिक्स कर देंगे, झींगा मैरिनेट कर देंगे. अदरक मैं डाल रही हूँ इसमें. 1 टीस्पून इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन जाएगा. लहसुन मुझे बड़ा पसंद है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ओके, कुटी हुई लाल मिर्च, इसी भी काली मिर्ची, हल्दी डालेंगे हम. 1 स्पून हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे. फिर जाएगी नमक, हसबे जायका, रायदाना इस्तेमाल कीजिए, बहुत मज़े का लगता है. इलायची दाना है ये. ऑयल या घी या किसी फॉर्म ऑफ फैट का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोट हो जाएं मसाले. जिस सिर्फ मैरिनेशन में करेंगे लेकिन पकाने के लिए नहीं करेंगे. एंड खीर को नहीं भूलना. अब हम इसके अंदर ये झींगे ऐड कर देते हैं. ये आइडियल साइज़ है. ठीक है, आप इस साइज़ का झींगा इस्तेमाल करेंगे. और अगर आपने झींगे को ओवर कुक कर दिया ना, तो उसकी पूरी उसका पूरा टेक्सचर एंड जो फ्लेवर तो खैर नहीं, बट टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है. मैंने खीर को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा. जब भी मैं कुछ और काम करती थी, नज़र उधर रहनी चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद खीर. घी ले लीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने घी ले लिया. मक्खन में अगर आप पका रहे हैं तो लाजमी आप इसके साथ ट्राई कीजिए, मज़े का. झींगे ऐड हो गए, ये वाले छोटे साइज के, तो 2-3 है. और कितना आसान है बनाना. आपके सामने इसके अंदर नारियल का दूध शामिल करना चाह रही हूँ. तो जैसे इनमें थोड़ा सा रंग आ जाएगा, पिंकिश कलर पे आने जैसे आ जाए, आप इसके अंदर नारियल का दूध शामिल कर दीजिएगा. खीर भी देख लेते हैं. ये जो हमारे मसालेदार झींगे, ये आप शीर. अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा आँच कम कर. कभी तेज़ आंच पे नारियल का दूध या क्रीम मत शामिल कीजिए, वो स्प्लिट हो जाएगी. मतलब ऑयल ऊपर आ जाएगा और आप देखेंगे बिल्कुल स्प्लिट हो गई. आप देख रहे हैं लज्जत और यहाँ हमारी खीर हमने डिश आउट कर दी है. और मैं ये मज़ेदार सा चांदी का वर्क इस पर लगा रही हूँ. प्लीज़ आप लोग जेन्युइन चांदी का वर्क इस्तेमाल कीजिएगा, वरना सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है. अब हम इसके ऊपर डालते हैं पिस्ते. अगर आपने रेजन्स डालने एज इन किशमिश, तो आप किशमिश भी डाल के सर्व कर सकते हैं. और यहाँ आ जाते हैं. मैंने एक मार्टिनी ग्लास में बारीक कटा हुआ लेटस डाला है. आपने क्या करना है कि ये जो बारीक कटा हुआ लेटस है, इसके ऊपर आप डालेंगे हमारे मज़ेदार से ये स्पाइसी स्टर फ्राइड प्रॉन्स जो हमने बनाए हैं. नारियल का इसके अंदर फ्लेवर है, बाकी सारे स्पाइसेस का फ्लेवर है.
और ये एक इंडिविजुअल सर्विंग, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सर्विंग लुक वेरी ब्यूटीफुल। आप रोगनी नान के साथ भी कर सकते हैं, प्लेटर के बेस पे मैं डालूंगी। मुझे झींगे बहुत पसंद है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूंगी कल। अल्लाह हाफिज़।